हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एसए 330 जो कि है ऑडिटर रिस्पांस ऑन एसएस रिस्क। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मैं पहले उससे पहले बताऊंगा कि होता क्या क्या था। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया एसए 300, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम ऑडिट की प्लानिंग कैसे करते हैं। एसए 315 में हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, मैंने बताया था आपको। एसए 330 में हम जो रिस्क हमने पहले आइडेंटिफाई किया था उसके ऊपर हम रिस्पांस करेंगे। जो हमने पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया था उसके ऊपर हम अब क्या क्या रिस्पॉन्सेज देंगे वो हम पढ़ते हैं एसए 330 के अंदर। तो ऑडिटर रिस्पांस ऑन एसएस रिस्क। अच्छा, तो इसके अंदर एसए 330 के दो पार्ट्स हैं और इन दो पार्ट्स में पूरा का पूरा आपका एसए खत्म हो जाता है। पहला पार्ट है आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल का और दूसरा पार्ट है आपका सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर का। साथ में आप लिखते रहें जो जो मैं बोल रहा हूं। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। अब क्वेश्चन आता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, फिर बात करेंगे एसएपी मतलब सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, एसए 330 कहता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है आप इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल को चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे कि जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाए एंड एक्सेस कर पाए डिग्री ऑफ कंट्रोल रिस्क। मैंने क्या बोला, कंट्रोल रिस्क, डिग्री ऑफ कंट्रोल रिस्क को हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सेस करेंगे टू डिटरमाइन, जिससे कि हमें डिटरमाइन कर पाए हम नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सैप्टी। अच्छा, तो इसका मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं जिससे कि हम कंट्रोल रिस्क को आइडेंटिफाई और एक्सेस कर पाए, जिससे कि हम नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट निकाल पाए सैप का। नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट क्या चीज है भाई, क्या नेचर है, क्या टाइमिंग रहेगी उसकी और कितने एक्सटेंट तक है, मतलब कितना डीपली हमें चेक करना है चीजों को सैप के अंदर, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर के अंदर, वो हमें बताएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो मैं आपको बताता हूं, जैसे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने गए हैं, हम इंटरनल कंट्रोल का देखने गए हैं कि इंटरनल कंट्रोल क्या सारे सही है, सही है तो सही है, नहीं है सही, कुछ डेफिशिएंसीज है, इसका मतलब हमें सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर हाई रखने पड़ेंगे। समझ आया। अब क्वेश्चन आता है, पहले हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, नीचे क्वेश्चन आता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमें कब पता चलता है कि हमें परफॉर्म करने का टेस्ट ऑफ कंट्रोल, व्हेन, कब पता चलता है। दो केसेस में पता चलता है। पहला केस होता है जब हम रैप कर रहे थे। रैप मैंने आपको बताया था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं जो कि 315 के अंदर होते हैं। जब हम रैप चेक कर रहे थे, हम रिस्क ऑडिट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जब हम फॉलो कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, तब हमें कुछ कंट्रोल रिस्क मिले थे। जब हमें वहां पर कंट्रोल रिस्क मिले थे उसमें कोई एक्सेप्शन है, कोई भी एक्सेप्शन है कंट्रोल एनवायरनमेंट में, कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर कोई भी आपकी एक्सेप्शन है जो हमें रैप फॉलो करते हुए मिली थी 315 के अंदर, तो उसकी वजह से हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल अब फॉलो करेंगे। या फिर दूसरा केस होता है और दूसरा केस होता है कि अगर हमें लग रहा है कि सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर जब हम फॉलो करेंगे ये वाला, तो ये अकेला कोई सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकता, अकेला ये सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकता, तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल अपना परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एक चीज और आती है, जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते करते हमें कौन सी assertion देखनी पड़ती हैं, assertion कौन कौन सी देखनी पड़ती हैं, तो हमें यहां पर दो assertion देखनी पड़ती है कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो क्या प्रॉपरली डिजाइन है, क्या प्रॉपरली डिजाइन है कि नहीं है, और जो इंटरनल कंट्रोल है वो ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इफेक्टिवली। मैंने क्या वर्ड्स यूज यहां पर किए कि एक तो प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए, एक ऑपरेट करना चाहिए इफेक्टिवली। ये दो चीजें अगर इंटरनल कंट्रोल कर रहा है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की दो assertions होती हैं। आगे आप अपनी बुक में देखेंगे कि आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल के प्रोसीजर भी मिलेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के क्या प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर
तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पहला प्रोसीजर होता है, इसके पांच प्रोसीजर होते हैं। पहला प्रोसीजर होता है आपको बस नाम लाम लर्न करने हैं, री परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल। पहला पहला प्रोसीजर क्या होता है, री परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल, मतलब जो भी इंटरनल कंट्रोल कंपनी ने बना रखे हैं हम अपने आप से भी एक बार री परफॉर्म करके देखेंगे। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ कंट्रोल, हम ऑब्जर्व करेंगे उसको। थर्ड होता है टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल। फोर्थ होता है इंक्वायरी ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कौन है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन इंटरनल कंट्रोल का, उसकी हम इंक्वायरी करेंगे। और फिफ्थ होता है इंस्पेक्शन ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, मतलब हम इंस्पेक्शन करेंगे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट का। अगर मैं आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो ROTI, दैट इज रोटी, तो हम इंस्पेक्शन करेंगे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट का। तो ये पांच चीजें थी, पांच प्रोसीजर थे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के। लेकिन इसमें एक चीज और होती है, लास्ट टॉपिक है ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, वो है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको रीड कर सकते हैं, कि टाइमिंग क्या होती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। देखो जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉलो होता है तो वो थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड होता है और फॉर इंटरिम पीरियड होता है, मतलब या तो थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड भी हो सकता है या फिर इंटरिम भी हो सकता है। अगर वो इंटरिम होगा तो हम उसके सिग्निफिकेंट चेंजेस को नोट कर लेंगे, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, आप बस इसकी रीडिंग कर लेना। एक लास्ट टॉपिक और टेस्ट ऑफ कंट्रोल का होता है, इसका एक क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस विच में वॉरेंट, वॉरेंट का मतलब होता है कॉज, रेस्टिंग ऑफ कंट्रोल इन रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब क्या है, मतलब अगर मैं किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं और दोबारा से मुझे ऑडिट मिल गई तो क्या मुझे दोबारा से टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा? आंसर इज नो। क्यों करना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल? एक बात बताओ, आपने पहले ऑडिट एंगेजमेंट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए होंगे, इंटरनल कंट्रोल उनके चेक किए होंगे, अब आप दोबारा से उस कंपनी के ऑडिटर बने हो, आपको पता है कि उनके इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, तो आपको दोबारा से टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ केसेस तो हो सकते हैं जहां पर दोबारा चेक करने की जरूरत पड़ जाए, तो हाँ 7 केसेस यहां पर हैं, मैं आपको वो 7 केसेस बता देता हूं, कौन कौन से केसेस हैं जहां पर हमें चेक करने की जरूरत पड़ जाती है इंटरनल, मतलब हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल को दोबारा इन अ रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। पहला है, इफ एनी डेफिशिएंसी आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर इन जर्नल आईटी कंट्रोल इन प्रीवियस एंगेजमेंट, मतलब इंटरनल कंट्रोल में हमें कुछ ऐसी मतलब डेफिशिएंसीज मिली थी प्रीवियस वाले में, मतलब पिछले वाले में कुछ डेफिशिएंसीज मिली थी, तो हम चेक करेंगे कि क्या इस बार डेफिशिएंसीज को सही कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया, तो हमें दोबारा से टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने पड़ेंगे। सेकंड है, इफ एनी डेफिशिएंसी इन मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाज आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर इन प्रीवियस एंगेजमेंट, क्या पता इंटरनल कंट्रोल की मॉनिटरिंग में कोई डेफिशिएंसी आई हो, तो मॉनिटरिंग में अगर कोई भी डेफिशिएंसी आई हो तो इस बार चेक करेंगे कि वो दूर कर दी गई कि नहीं कर दी गई, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉलो करने पड़ेंगे। थर्ड है, इफ देयर एनी चेंज इन बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी, क्या पता बिजनेस का ऑपरेशन ही चेंज हो गया, भाई पहले वो साबुन बनाते थे, आज वो निर्मा बनाते हैं, आज वो वॉशिंग पाउडर बनाते हैं, तो डिफरेंस है, साबुन के लिए आपको अलग इंटरनल कंट्रोल करना है या निर्मा के लिए आपको अलग इंटरनल करना है। चलो अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, पहले मान लो वो साबुन बनाते थे, आज वो लिक्विड हैंड वॉश बनाने लगे हैं, या फिर उन्होंने बिजनेस ऑपरेशन ही चेंज कर दिया, उन्होंने बाइक का बिजनेस कर दिया, तो इंटरनल कंट्रोल अब साबुन वाले तो नहीं लगा सकते, इंटरनल कंट्रोल भी लेटेस्ट चाहिए होंगे, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि चेंज इन बिजनेस ऑपरेशन तो नहीं हो गया, चेंज इन बिजनेस ऑपरेशन। नंबर फोर्थ है, इफ देयर इज एनी चेंज इन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अरे पर्सन का भी तो चेंज हो सकता है, क्या पता पहले जो पर्सन इंटरनल कंट्रोल चेक करता था, जो इंटरनल कंट्रोल पे मॉनिटर करता था, वही चेंज हो गया हो, तो इस बार भी हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करने पड़ेंगे। नंबर फिफ्थ है, देयर इज एनी चेंज इन कंट्रोल एनवायरमेंट, क्या पता कंट्रोल एनवायरमेंट ही चेंज हो गया हो। नंबर सिक्स है, If any deficiency was identified by the auditor in the control environment in the previous engagement, क्या पता कोई deficiency हमें पहले control environment में मिली थी, देखो यहां पर है control environment change का, इधर है कोई deficiency अगर हमें पहले previous year में control environment में मिली थी तो हमें इस बार check करनी पड़ेगी control environment ठीक है कि नहीं है, तो हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉलो करने पड़ेंगे। और लास्ट है, इफ देयर एनी सिग्निफिकेंस मैनुअल एलिमेंट फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसका मतलब क्या है, इफ देयर एनी सिग्निफिकेंस कोई इंपॉर्टेंट मैनुअल एलिमेंट जुड़ा हुआ है
तो भी इंटरनल कंट्रोल हमारे दोबारा चेक करने जरूरी हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश की बात आती है, तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हाँ यार पिछले साल भी इनका कैश ही बंदा चेक करता था, ऐसे मशीनों पे गिनते हैं तो हाँ इस बार देखने की क्या जरूरत है। ठीक है, कैश मैनुअल चीज है और फिजिकल चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सिग्निफिकेंट भी है। तो ये इंटरनल कंट्रोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, तो इसका हमें दोबारा से टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने की जरूरत पड़ जाएगी और इंटरनल कंट्रोल देखने की जरूरत पड़ जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं अभी तक क्या क्या हुआ है। हमने पढ़ा ऐसे 330 के दो पार्ट्स हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटांटिव ऑडिट प्रोसीजर। मैंने आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बहुत सारी बातें बताई, टेस्ट ऑफ कंट्रोल यहां से पूरा हो चुका है। साथ साथ बोलते रहेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटांटिव ऑडिट प्रोसीजर। अब बात करता हूं सब्सटांटिव ऑडिट प्रोसीजर की। सब्सटांटिव ऑडिट प्रोसीजर कहता है देखो मेरा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल ने बता दिया। ठीक है, क्या कोई नई चीज मैं बताता हूं? हाँ मैं नई चीज बताता हूं, मैं डिटेक्ट करता हूं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। अच्छा, एसर्शन लेवल पर। और आपको अच्छे से पता है एसर्शन लेवल क्या थी, वो वाली एसर्शन लेवल नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एसर्शन लेवल नहीं, वो अलग चीज है। यहां पर एसर्शन लेवल की जो बात हो रही है ये वो वाली हो रही है, ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, जो आपने SA 315 में पढ़े थे। तो अच्छा, तो सैप कहता है कि भाई नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट तो मेरा टीओसी ने बता दिया, मैं तो चेक करूंगा कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट एसर्शन में है कि नहीं, जो कि है ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। सैप कहता है देखो भाई जैसे ऐसे 330 के दो पार्ट थे, क्या थे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। ऐसे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर कहता है मेरे भी दो पार्ट होते हैं। अच्छा, पहला तो मेरा जो पार्ट होता है उसका नाम भी सैप ही होता है। क्या ये था सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, लेकिन इसका नाम है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये था सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और दूसरा है टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल कहता है देखो मैं जो डिटेल चेक करूंगा वो किसकी करूंगा, ट्रांजेक्शन की, अकाउंट बैलेंसेस की और डिस्क्लोजर की। अच्छा, तो यहां तक आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, यहां तक तो मैंने बात करी। इसके बाद मैं सैप का एक टॉपिक और बताऊंगा, इस पे सेपरेट क्वेश्चन लग जाता है। ये पूछता है कि क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम एज अ सैप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल, पहली बात होता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता क्या है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, देखो एक्सटर्नल कंफर्मेशन नाम से पता चल रहा है कि हम बाहर से डेटा लेकर आते हैं, थर्ड पार्टी से डेटा लेकर आते हैं, जो भी क्लाइंट के साथ जिसके भी रिलेशन है, जैसे डेटर है, क्रेडिटर है या फिर कोई लैंडलॉर्ड है। तो जैसे जैसे मेरे को एक केस याद आ रहा है जहां पर मैंने ऑडिट करी थी, जहां पर मेरा जो मतलब क्लाइंट था उसने एक रेंट पे जगह ले रखी थी। तो हमने बोला था कि लैंडलॉर्ड से रेंट एग्रीमेंट मंगवा लो, हमें पढ़ने हैं कि भाई जितना क्या वो उसी हिसाब से हाइक करता है कि नहीं करता है, हर साल प्रोविजन लगाता है नहीं लगाता, जैसे एग्रीमेंट में लगाता है, तो वो हम चीजें कंफर्म करते हैं। तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है डेटा स्क्राइडर्स का। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं ऑडिटर को इन डिटरमाइनिंग वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर इज टू बी परफॉर्म एज सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। क्या उसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के लिए? तो वो क्या फैक्टर्स हैं वो मैं दिखाता हूं, मैं अपनी कॉपी से दिखा देता हूं इस पॉइंट को। पहला है कंफर्मिंग पार्टी नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट मैटर। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई रिलायबल तभी होगी इन्फॉर्मेशन कि जिस पर्सन से हम ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन, जिस पर्सन से हम कंफर्मेशन ले रहे हैं कि उसको नॉलेज है उस सब्जेक्ट मैटर की। दूसरा फैक्टर यहां पर ये होगा कंफर्मिंग पार्टी एबिलिटी टू और विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड। थर्ड है कंफर्मिंग पार्टीज ऑब्जेक्टिविटी इन द रिस्पॉन्स, उसकी इंडिपेंडेंसी देखी जाएगी जो पर्सन वहां पर हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं। फिर है एडिक्वेसी ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कि एप्लीकेबल एफआरएफ की अकॉर्डिंग होने चाहिए। और लास्ट है टाइमिंग ऑफ सैप, मतलब सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का टाइमिंग क्या है, जैसे कि थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड भी हो सकता है, विद और विदाउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, इसमें हम इंटरनल कंट्रोल भी चेक कर सकते हैं। मतलब इट्स ऑल डिपेंड अपॉन टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल।
हो सकता है टाइमिंग अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पहले हो गया हो और हम बाद में ये सैप कर रहे हैं तो हम विदाउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम साथ साथ कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल सैप के साथ हो सकता है, हो सकता है कि हम इंटरनल कंट्रोल जरूरी थोड़ी ना, हमने पहले ही सारे चेक कर लिए, हम बाद में कोई चेक कर रहे हैं, तो साथ साथ भी हम कर सकते हैं कि हम कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा रहे हैं, साथ में उसका इंटरनल कंट्रोल देख लिया, तो ये सब चीजें हम चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये ऐसे खत्म होता है। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने ऐसे के साथ। तो स्टे ट्यून, जय हिंद।